सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। पहले हल्दी में किसी को भी तेजी नहीं लग रही थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हल्दी का कैरी ओवर स्टॉक अच्छा देखने को मिल रहा है। इस बार भी हल्दी का कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हल्दी की कीमतों ने वायदे में यू टर्न लिया है, इससे सब हैरान है। दरअसल इस बार दक्षिण भारत में हुई बारिश से हल्दी की फसल को नुकसान पहुँचा है, जिससे हल्दी की कीमतों को सपोर्ट मिला है। हल्दी की डिमांड 2020 के मुकाबले 2021 में कम देखने को मिली है। वहीं हल्दी पर जानकारों का कहना है कि जब तक हल्दी की फसल नहीं आ जाती है, तब तक हल्दी के फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं, कितने गिरावट की ओर हैं, कहना थोड़ा मुश्किल है। हल्दी की खपत और एक्सपोर्ट के आंकड़े कैसे रहेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना के चलते 2020 में हल्दी की डिमांड बढ़ी थी, लेकिन 2021 में कम हुई है। जानकारों के अनुसार वायदे में मौजूदा दरों से हल्दी में जून तक हो सकता है कि 12,500 तक के स्तर दिख जाए, लेकिन हल्दी में वेट एंड वॉच की पॉलिसी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।